लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों के काम आए जो, दुश्मनों के रंग उड़ाए जो, उलझनों को सुलझाए जो, राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। देखिए तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। मालिक गुस्सा करेंगे। अरे डैडी दो घंटे से पहले आने वाले नहीं है, कम ऑन यार। सॉरी टिंकू, मुझे बहुत से काम करने हैं, रूम की साफ सफाई भी करनी है और बापू भी मार्केट गए हैं, उनके आने से पहले सारे काम नहीं किए तो उनकी डांट पड़ेगी। अरे रामदीन चाचा को तो मैं समझा दूंगा। चल यार, तू मेरा पक्का दोस्त है ना? वो तो हूँ। तो फिर मेरे साथ खेल, नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ठीक है चलो खेलते हैं। That's like a good friend. Yeh le ball pako. Rohit, ja wahan se bowling kar. Achha. Well taken, Rohit. Tune to mujhe pehli ball pe out kar diya. No problem. Ab tu batting kar, main tujhe out karunga. अरे बाप रे डैडी, इतनी जल्दी कैसे आ गए? रोहित, माफ कर दीजिए सरकार। सरकार के बच्चे, कितनी बार मना किया कि टीकू के साथ मत खेला कर, इडियट। डैडी, इसमें रोहित की कोई गलती नहीं है, उसको खेलने के लिए मैंने ही फोर्स किया था। तुमने फोर्स किया था और क्यों? इसलिए क्योंकि मेरे को रोहित के साथ खेलना अच्छा लगता है, वो मेरा दोस्त है। बको मत, दोस्ती बराबर वालों से होती है, नौकरों से नहीं। ये मत भूलो कि तुम शहर के मशहूर रईस सुरेश खुराना के बेटे। क्या बात है मालिक, क्या बात है मालिक? ये पूछ अपने इस नालायक बेटे से रामदीन, जो घर का कुछ काम काज तो करता नहीं है और दिन भर खेलता रहता टीकू के साथ। क्यों रे, मैंने तेरे को मना किया था ना छोटे सरकार के साथ खेलने को। गलती हो गई बापू। बापू के बच्चे, चल मैं तेरी हड्डी पसली एक करता हूँ। इसे अच्छी तरह से समझा देना रामदीन, दोबारा मैंने इसे टीकू के साथ खेलते देखा तो तुम दोनों को नौकरी से निकाल दूंगा। टिंकू बेटा डैडी, मैं आपसे बात करने वाला नहीं। बेटा तुम मुझसे बहुत नाराज हो? यस। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय सन, मैं तुझे खेलने से मना नहीं करता बेटा, मगर मैं चाहता हूं कि तुम नौकर के बेटे के साथ दोस्ती करने और खेलने की बजाय बड़े लोगों के बेटों के साथ दोस्ती करो। अरे लेकिन क्यों? क्योंकि बेटा बड़ा होकर तुझे मेरा बिजनेस संभालना है, ढेर सारी दौलत कमानी है, और दौलत कमाने के लिए बड़े लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना बहुत जरूरी होता है बेटा। लेकिन रोहित के साथ फ्रेंडशिप करने में क्या नुकसान है? यह बात अभी तेरी समझ में नहीं आएगी, मैं धीरे धीरे तुझे समझा दूंगा।
एंड यू नो टुडे संडे, और जानते हो मैंने आज का क्या प्रोग्राम बनाया है? क्या? आज हम स्विमिंग करने जाएंगे, फिर शानदार होटल में लंच करेंगे और फिर शॉपिंग। Really, Daddy? Of course, my son. Let's go. Wow, मैं कब से चेंज करके आता हूँ? हाँ, जल्दी जल्दी। नमस्ते जीजाजी। सतीश तुम? क्यों आए हो यहाँ? अपने भांजे टिंकू से मिलने। उसके बर्थडे पर शायद मैं आ नहीं सकूँ, तो सोचा आज उससे मिल भी लूँगा और उसे ये बर्थडे गिफ्ट भी दे दूँगा। गिफ्ट देना तो दूर, मैं तुम्हें टिंकू से मिलने तक की इजाजत नहीं दूंगा। अरे मेरा तुम्हारा रिश्ता तो टिंकू की माँ की मौत के साथ ही खत्म हो गया था, और हकीकत में ये रिश्ता तो मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे पिताजी की जिद के वजह से हुआ था, वरना हमारे खानदान के मुकाबले में तुम्हारे खानदान की औकात ही क्या है। जीजा जी, अब गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फायदा, पुरानी बातें भूल जाइए। बेहतर होगा सतीश कि तुम टिंकू को भूल जाओ। कैसे भूल जाऊं? टिंकू मेरे बहन की इकलौती निशानी है, और उसके अलावा इस दुनिया में मेरा है कौन? मैं उससे अपने बच्चे की तरह प्यार करता हूं। प्यार नहीं करते, प्यार का नाटक करते हो तुम। क्या? यस, क्योंकि तुम जानते हो कि मेरे बाद मेरी जायदाद और दौलत का वारिस सिर्फ टिंकू है, इसीलिए तुम उसे अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसाना चाहते हो। तुम्हारी नजरें मेरी दौलत पर हैं। जानता हूं बहुत घमंड है आपको अपनी दौलत पर, और इसी दौलत के नशे में चूर होकर आप अपने परह की पहचान तक भूल चुके हैं। Shut up! मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मैं तुम जैसे घटिया और जलील लोगों को अच्छी तरह से पहचानता हूं। अपनी जुबान पर काबू रखिए जीजाजी, वरना Get out! और इस घर में कदम रखने की दोबारा कोशिश नहीं करना। ओके ओके, जाता हूँ, मुझे भी आपकी मनहूस सूरत देखने का शौक नहीं है। अरे मामा जी, आप कैसे हो पिंकू बेटे? ये लो तुम्हारा स्पेशल बर्थडे गिफ्ट। रुक जाओ टिंकू, मेरा टिंकू किसी के तोहफे का मोहताज नहीं है, उसे जो कुछ चाहिए मैं खरीद के दे सकता हूँ। ले जाओ ये तोहफा और दे दो किसी भिखारी के बेटे को। बेटा तुम चुप रहो, ये हमारे आपस का मामला है, तुम भी जानते हो। तो सतीश तुम जा रहे थे ना? दाम नहीं बताएगा, सिर्फ काम बताएगा फिर दाम बताएगा। अच्छा चल बता। अच्छा बॉस, ठीक है बॉस, मंजूर है बॉस, मंजूर है। हाँ अरे बॉस, ये काम अपन पहले भी किए लाए, गाड़ी का भी इंतजाम हो जाएगा बॉस। हाँ बॉस, वो बाकी का डिटेल अपने को फोन पे दे देना बाद में। ओके बॉस। हाँ मारा, क्या बात है मोंटो, तेरी कोई लॉटरी निकली है क्या? खाली मेरी नहीं। नाम है सुरेश खुराना।
सो तो रहे ना? अरे मेरे डैडी तो बेखबर सो रहे हैं और रामदीन चाचा ना वो भी खराटे ले रहे हैं। एक मिनट मैं ये करके आता हूँ। अच्छा डैडी की डर से भाग गया होगा। डर फोक मोंटो, अब जल्दी से जल्दी मिरर चेक को कैश करवा डालो। अभी कराता हूँ। हेलो मिस्टर सुरेश खुराना स्पीकिंग। हाँ खुराना साहब। एक बार जरा ध्यान से सुनिए, आपका जो प्यारा चीज है ना वो अपने पास है और अपन का प्यारा चीज आपके पास। क्या बकवास है, कौन हो तुम? ये तो अपन भी नहीं जानता खुराना साहब कि अपन कौन है। इतना मालूम है कि अपन लोगों ने आपके बेटे का किडनैप किया है। क्या? हाँ तो मैं क्या कह रहा था खुराना साहब कि आपको आपका बेटा प्यारा है और हमें अपने नोट प्यारे हैं। आप अपनी प्यारी चीज ले जाइए और हमारी प्यारी चीज ले आइए। मेरे टिंकू से बात करो। करा देंगे खुराना सेठ, करा देंगे। पहले सौदा तो तय हो जाए, बोलो मंजूर है वरना। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? सिर्फ 25 लाख। ठीक है मैं दूंगा तुम्हें 25 लाख, लेकिन मेरे टीकू को कुछ नहीं होना चाहिए। देखो अगर मेरे टीकू का बाल भी भागा हुआ तो बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बताओ कहाँ आना है 25 लाख रुपए लेकर? क्या बात है डैडी? टीकू तू बेटा तू ठीक तो है ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर फोन पे कौन है? यू इडियट, ऐसा बेहूदा मजाक करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्या मजाक? मतलब कि मेरा बेटा मेरे सामने खड़ा, अब दोबारा फोन करने की हिम्मत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डैडी फोन पे कौन था? बेटा ऐसे कोई मजाक कर रहा था, उसने तुझे किडनैप किया। किडनैप किया? हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बदमाश मेरे धोखे में रोहित को उठा ले गए हो? रामदीन चाचा, रामदीन चाचा, रामदीन चाचा। अरे अरे टिंकू बाबा, क्या बात है? रोहित का है, अपने बिस्तर पे सो रहा होगा। अरे वो तो अपने बिस्तर पे नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब मेरा शक सही निकला। शक? रामदीन चाचा मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई है। जब आप सो रहे थे तो अपना कमरे में नया गेम दिखाने ले गया, उसी बीच मैं जब बाथरूम गया मैंने बाहर निकल के देखा कि कुछ बदमाश रोहित को उठा के ले गए हैं। क्या? डैडी, डैडी। क्या बात है? मालिक, मालिक, अभी टिंकू बाबा ने बताया कि कुछ लोग मेरे बेटे रोहित को उठा कर ले गए। क्या? हाँ डैडी, आपके डर से मैं रोहित को अपना नया गेम दिखाने ले गया था, इसी बीच में बाथरूम चला गया, लौट के देखा तो कुछ बदमाश मेरे धोखे में रोहित को उठा ले गए। टिंकू मैं तंग आ गया हूँ तेरी हरकतों से। तेरी हिम्मत कैसे हुई रोहित को बेडरूम में ले जाने की? सॉरी डैडी, गलती हो गई। मालिक जो होना था तो हो गया, लेकिन अब मेरे बेटे रोहित को बचाना आपके हाथ में है, आपके हाथ में है। मेरे हाथ में? लेकिन मैं उसे कैसे बचा सकता? डैडी
उन बदमाशों ने जो मुझे छुड़ाने के लिए रकम मांगी थी वो आप उन्हें देख के रोहित को छुड़ा सकते हैं। बकवास बंद करो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मालिक आप ऐसा मत कहिए, आप बड़े दयालु हैं, मेरे ऊपर रहम कीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैंने आप लोगों की बहुत सेवा की है, मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा। मालिक मेरे बचा लीजिए, मेरे रोहित को बचा लीजिए। समझने की कोशिश करो, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वाह डैडी वाह, जब आपको पता लगा था कि मैं किडनैप हुआ हूँ तब आपके पास 25 लाख रुपया था, मगर अब जब आपको पता लगा है कि नौकर का बेटा किडनैप हुआ है तब आपके पास 25 लाख रुपया नहीं है। तुम चुप रहो। राबदीन मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। तुम ऐसा करो, तुम पुलिस में रिपोर्ट करो। नहीं नहीं मालिक, पुलिस में रिपोर्ट मत कीजिए, मेरे बेटे को मार डालेंगे, मार डालेंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को बचाओ। ये गरीब के बेटे को मारकर क्या मिलेगा उन्हें? बचा लीजिए मेरे। जैसा कहता हूँ वैसा करो, जाओ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। अखबार मेरे बेटे की रक्षा करता, मेरे बेटे की रक्षा करता है। रामदीन चाचा, मेरे बेटे की रक्षा कर रहा है, मेरे बेटे की रक्षा कर रहा है। रामदीन चाचा फिक्र मत करो, भगवान आपकी मदद जरूर करेगा। तो अपुन की किस्मत खोटी निकली, पूरी रात बर्बाद हो गई और हीरे के बदले में कोयला उठा लाए, अभी कब तक पड़े रहेंगे इधर? हाँ यार, जब तक बॉस का फोन नहीं आ जाता। अरे लेकिन हेलो। हाँ बॉस। हाँ सॉरी बॉस, अपन से गलती हो गया। वो क्या है ना, खुराना के छोकरे के बजाय नौकर के छोकरे को उठा के ले आया अपन। अभी क्या करने का? हाँ वापस खुराना को फोन करूँ? तुम ठीक बोलता है, अभी तो गेम बिगड़ गया। देखता है अभी नौकर के छोकरे का जो भी मिलेगा खुराना को वापस फोन करता है। अच्छा बॉस, ठीक है बॉस। हेलो, खुराना सेठ को फोन दे। वो तो घर पे नहीं है, आप कौन? वो अपन बाद में बोलेगा, पहले तू बता कि तू कौन है। मैं उनका बेटा टिंकू बात कर रहा हूँ। ओफो, तो तू ही है जिसके धोखे में अपन ने नौकर के बेटे को उठा के लाया? हाँ मैं ही हूँ। देख अपने बाप को बोल कि अपने बेटे के किडनैपिंग के लिए 25 लाख देने को तैयार था, नौकर के बेटे के लिए 5 लाख तो दे दे। 5 लाख तो क्या, 5 रुपया भी नहीं देंगे। नहीं देंगे तो अपन छोकरे को मार डालेगा। नहीं नहीं आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या बात है? आप उसको छोड़ दीजिए और मुझे पकड़ लीजिए तो आपको पूरे 25 लाख मिल जाएंगे। पूरे 25 लाख दिला सकता? वो कैसे? वो ऐसे कि मेरे डैडी मेरे लिए 25 लाख दे देंगे मगर उसके लिए 5 रुपया भी नहीं देंगे। मैं तुम्हें पूरे 25 लाख की गारंटी दे सकता हूँ। तुम मुझे जहाँ कहोगे मैं आ जाऊंगा, मगर तुम्हें रोहित को छोड़ के मुझे किडनैप करना होगा।